हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो दोस्तों, LIC रिक्रूटमेंट के बारे में जो नोटिफिकेशन आना था वो अभी तक नहीं आया है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि अप्रैल और मई के ड्यूरेशन में वो आ जाना चाहिए था, बट अब तक इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि LIC ने रिसेंटली उनके IPO उनका IPO चल रहा था LIC का, तो वो हिसाब से उन लोगों को नहीं हुआ। तो शायद पॉसिबल है कि इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली LIC ने उनके करियर के पेज पे एक नोटिफिकेशन डाला है कि द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन आर वेबसाइट्स www.licindia.in अंडर करियर सेक्शन वेन एवर द रिक्रूटमेंट इज अनाउंस्ड। Queries regarding future recruitment notification, number of vacancies, etc. would not be entertained. तो इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट जो है वो तो होने ही वाला है ये साल। नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ उनके IPO के हिसाब से थोड़ा सा डिले तो प्रोसेस हुआ है, बट जी हाँ, अभी तक LIC ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किए कि कितने वैकेंसीज निकले हैं, कितना एग्जाम कब होगा वो। तो ये सब जो डिटेल्स है, तो ये सब डिटेल आपको LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके करियर के सेक्शन में आपके ये सब नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएंगे। तो आपको अगर चेक करना है नोटिफिकेशन तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। क्वेरीज रिगार्डिंग फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज वुड नॉट बी एंटरटेड। तो ये हर तरीके हर चीज़ के बारे में, लाइक रिक्रूटमेंट कितना कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, ये एंटरटेन वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्टली करियर सेक्शन में डालेंगे। तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।